फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मैं एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने आया था। वाज ऑल अरेंज्ड लाइक यूजुअल अरेंज्ड मैरिज सेटअप। पूरी फैमिली मैरिज अटेंड करने गई और मैं इनको मिलने गया था। फिर जब मैं गया तो मैंने फर्स्ट इनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए मैंने खुद ने इनिशिएट किया था कि फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम एट माय प्लेस ही वाज ऑल अलोन। अकेले ही मतलब इतनी हिम्मत किसी की हो गई कि आगे मिलने के लिए मुझे देखने के लिए। उसके बाद लेटर ऑन आई हैड डिस्कस्ड माय इंटरेस्ट एंड पैशंस एंड फैंटेसीज एंड ऑल। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे तो मैंने प्रॉपरली देखा भी नहीं था इनको। और उसके बाद जब हमारा रुका हुआ था दैट वाज अवर सेकंड मीट एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई सॉ हिम प्रॉपरली एंड आई वाज लाइक मन में marriage means a lot to me in terms of being in a relationship. So the way we are bonded starting from Jan, then the back to back meetings after Roka and all. So the way we are connected is more like a love marriage. We are going for being as an arranged couple. But aisa feeling aata hai jab अब हम मैरिज की स्टेज पे, आज हमारा मैरिज है। तो आई फर्स्ट गॉट अ फ्रेंड इन हर, देन आई गॉट अ गर्लफ्रेंड इन हर एंड देन आई फाइंड अ वाइफ इन हर। मौजज़ा तो कर दिया यूं मेरे खुदा, राबता तो गैब से यूं कर दे खुदा, मेरा आशिया इश्क में उस पाक इश्क में, मेरा आशिया है इश्क में उस पाक इश्क में। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता होता है, जीवन भर का रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे से मिलके रहें, हमेशा सुखी रहें और लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ दोबारा नहीं आने वाली है।